नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप शुगर को कैसे ठीक कर सकते हैं, शुगर के लिए क्या ट्रीटमेंट है, या किसी का हाई बीपी है तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या किसी को किडनी की समस्या है तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तीनों के लिए आपके लिए सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है। इसका इस्तेमाल आप तीनों ही प्रॉब्लम में कर सकते हैं और किसी भी लेवल की प्रॉब्लम में कर सकते हैं। हाई बीपी है, किडनी की समस्या है और शुगर की समस्या है। लेकिन इस प्रोसेस को ध्यान से देखना, समझना, लास्ट तक देखना, तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे, इन पॉइंटों का लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये गला है, ये गले पर थायराइड ग्लैंड होती है, इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों हथेली को यहां पर रखना है और हल्का सा जर्क नीचे की तरफ देना है दो बार, एक दो। ये खांसी आई, ये नेचुरल खांसी है, यानी कि ये खांसी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है और आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया है ना। फिर दोबारा से रखेंगे आधे मिनट बाद, एक दो। तो इसको ये हम बोलते हैं, जब मैं लगातार करूंगा 8 बार तो इसको 4th thyroid, और गैप के बाद आधे मिनट के बाद 4 बार स्ट्रोक दूंगा तो 4th thyroid 2th thyroid, और सेकेंड ट्रीटमेंट हमारा होता है पी हेपरिन। देखिए ध्यान से करना, देखिए एक दो एक दो एक दो एक दो, ये मैंने लगातार 4 बार किया। और ये खांसी जो आ रही है ये नेचुरल है, इसको ये मत समझना कि आपने गलत किया, लेकिन हाँ खांसी के लिए नहीं दबाना आपने कि खांसी जब तक नहीं आएगी मैं दबाता रहूंगा, ऐसा नहीं करना। आपने नेचुरली अगर आपने प्रेस किया और खांसी आ जाती है तो ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4th thyroid आधे मिनट के बाद 2th thyroid, यानी कि 2 बार स्ट्रोक दिया, और इसके बाद 1 मिनट के बाद में पी हेपरिन। पी हेपरिन क्या है, 8 pen 7 liver 8 chest only, 8 pen, दोनों हाथों को वी शेप में आपने यहां रखना है, ये लिम्फ नोड्स है, इन लिम्फ नोड को टच किए बिना आपने हाथ को यहां वी शेप में रखना है, 6 सेकंड के प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6, और फिर उठाना है, फिर प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6, फिर उठाना है, फिर प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 8 बार आपने करना है। मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मैंने 3 बार करा, आपने 8 बार करना है। उसके बाद में आप हाथ को नीचे लेकर आएंगे, एक ही हाथ को नीचे लेकर आएंगे जिस हाथ में मेरा ट्रीटमेंट देना है, ये कोहनी से लेकर कलाई तक, ये 3 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 और 3, कोहनी से लेकर कलाई तक 1 2 3, इस पूरी थाई के घुटने से ऊपर तक आपने 3 पॉइंट बनाने हैं, 3 2 1। घुटने में हम नीचे से काउंट करते हैं, 3 2 1, तो पहला पॉइंट और पहला पॉइंट इन दोनों को एक साथ हमने प्रेशर देना है 6 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6, दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5, तो ये 3 पॉइंट ये हो गए, इनको दोबारा से हम दे देंगे 6 सेकंड का, तो 6 पॉइंट हो जाते हैं, और 6 पॉइंट होने के बाद बीचों बीच, यानी कि पहले और तीसरे पॉइंट के बीच दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट पर हमने 6 सेकंड का प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 हो गए, 1 2 3 1 2 3, और बीच में 7 पॉइंट हो गए। अब 8 pen 7 liver, यानी कि 8 pen 7 liver और 8 chest only, इसमें हमने चेस्ट के ऊपर रबिंग करनी है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 बार इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ 4th thyroid, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आधे मिनट का गैप, 1 2 1 2 2 thyroid 8 pen 7 liver 8 chest only, ये हाई बीपी किडनी की, और सबसे अच्छी तरीका हाई बीपी हो, किडनी की समस्या हो, डायबिटीज हो, इन तीनों ही समस्या में ये रामबाण की तरह काम करता है। आपकी इन तीनों में से कोई भी समस्या किसी भी लेवल की हो, आप तीनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन लगातार करिए, इसका फीडबैक क्या है आपके पेशेंट के ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।